सबसे पहले तो मीडिया बंधुओं का शुक्रिया। इम्तियाज नूरानी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अभी आपने पूछा कि 3 मार्च की जो महारैली जिसको कहेंगे पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की रैली है, उसमें माननीय हमारे जन जन के नेता राहुल गांधी जी, साथ साथ तेजस्वी यादव जी, उसके अलावा महागठबंधन के तमाम दल गांधी मैदान में एक ऐतिहासिक रैली करने जा रही है। मैं बिस्फी विधानसभा के तमाम लोग जो इस प्रोग्राम के लिए कोशा हैं, इस प्रोग्राम को देखने के लिए, सुनने के लिए, आदरणीय राहुल गांधी जी को सुनने के लिए, तेजस्वी यादव को सुनने के लिए, एक भीड़ जो जा रही है, मुझको लगता है कि मधुबनी ज़िला से कम 50,000 लोग वहाँ पहुँचेंगे और बिस्फी विधानसभा से मुझको लगता है कि एक अपार भीड़ जा रही है। हम लोगों का भरपूर समर्थन है महागठबंधन की इस रैली को। मैं खुद कांग्रेस पार्टी का लीडर होने के नाते मेरी एक जिम्मेदारी है और मैं बिस्फी का रहने वाला हूं। बिस्फी विधानसभा की जनता से भी समस्त अपील है कि कल जो ऐतिहासिक रैली है जिसको आज मैं अपनी नुमाइंदगी में लेके जा रहा हूँ, अपने सुपरविज़न में लेके जा रहा हूँ, जो लोग छूट गए हों उन तमाम लोगों से भी अपील है कि वो लोग पहुँचे। देखिए, अभी कई दिनों से अखबारों में, टीवी में, मीडिया में आप लोगों ने सुना होगा कि ये महागठबंधन की रैली है, उसमें राहुल गांधी जी भी हैं, तेजस्वी यादव भी हैं, साथ साथ हमारे जो भी एलाइज CPI CPM जो लेफ्ट की तमाम पार्टी है और जो अच्छी सोच रखने वाले हैं, वो तमाम लोगों का गठबंधन का कल रैली है। और उस रैली में ये साबित हो जाएगा कि बिहार में जो अभी हुआ है उसका जवाब ये रैली है और भरपूर तरीके से आवाम साथ खड़ी है। कल गांधी मैदान ये मैसेज दे देगा कि ना कि सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में एक मुझको लगता है कि सैलाब बन जाएगा। और उस सैलाब के अंदर जो नरेंद्र मोदी अपने आप को झूठे वादे में जो सरकार चला रहे हैं, झूठे वादे करके कभी इसको ईडी, कभी उसको ईडी, कभी इसको पलटना, कभी उसको पलटना, ये सब चीज़ें उनको अपना अंदाज़ा लग जाए कि हमने क्या किया है और जनता जवाब क्या दे रही है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बहुत सारे लोग जा रहे हैं, क्या आपकी भी कोई तैयारी है आगे विधानसभा या लोकसभा को लेकर? देखिए, आपको पता होगा मैं पहले पूर्व में कांग्रेस पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ाया था विधान परिषद का। और रही बात तैयारी की, तो आप जानते हैं कि मैं अगर सियासत में हूं और सियासी आदमी हूं तो जाहिर है कि अगला एम तो है ही मुझ मेरा। ऐसा नहीं है कि मैं सियासत नहीं करना चाहता हूं, सियासी आदमी हूं, सियासत करना चाहता हूं, लेकिन आज की जो रैली है वो महागठबंधन की रैली है। हम लोग पार्टी जो फैसला करेगी या महागठबंधन के तमाम लीडर जो फैसला करेंगे उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। एक सवाल ये है कि क्या लगता है जनविश्वास रैली से इंडिया गठबंधन जो है उसको बिहार में वाकई फ़ायदा मिलेगा या मोदी लहर के सामने जनविश्वास रैली फेल हो जाएगी? देखिए, जनविश्वास रैली, अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले आदरणीय राहुल गांधी जी की जो यात्रा थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसमें भीड़ आप लोगों ने दिखाया होगा मीडिया के जरिए, चैनलों के जरिए आपने देखा होगा। उसके बाद तेजस्वी यादव जी ने भी रैली की, जिस जिला में आप हैं उस जिला में भी उनकी आक्रोश रैली आया है, जो विश्वास रैली थी उनकी उसमें भी लोगों ने बड़ी सम्मान के साथ उनके साथ एक बड़ी भीड़ जुटी रही। और उसी का कंक्लूजन है कि कल दोनों नेता हमारे एक स्टेज पर ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि बिहार हमारा है, जो सेकुलरिज्म की राजनीति है वही जिंदा रहेगी। ये जो राजनीति करने वाले मजहब के नाम पर, रिलीजन के नाम पे, जाति के नाम पे बांटने वाले लोग हैं, उनका सफाया करने के लिए जन आक्रोश, जन विश्वास रैली हो रही है। आगे आइए ना, आगे ना, रोड पर हम लोग खड़े हैं, आगे बढ़ते रहिए ना। राजनेता, राहुल गांधी से बड़ा राजनेता इस देश का मुझको नहीं लगता है कि जिस वो नेता जिसके परिवार के दो दो प्रधानमंत्री ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, जिस परिवार से 3-3 प्रधानमंत्री रहा हो, उससे बड़ा नेता इस देश में मुझको नहीं है। लोग भले ही उनके बारे में कुछ बोल दें लेकिन उससे बड़ा लीडर कोई नहीं। किशोर का कहना है कि 10 करोड़ खर्च करके 5 लाख की भीड़ हम भी जुटा सकते हैं अगर भीड़ जुटाने का मकसद हो। क्या लगता है वोट में तब्दील हो पाएगा जो मेहनत कर रहे हैं तेजस्वी यादव, राहुल गांधी? देखिए, प्रशांत किशोर जी क्या कह रहे हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा कटाक्ष नहीं करेंगे उन पर, लेकिन पैसे से अगर भीड़ इकट्ठा होती तो और भी बहुत लोग कर सकते थे। लोगों का विश्वास है, जनता का विश्वास है। आपने देखा कि पिछला चुनाव जो असेंबली का हुआ था बिहार में, उसमें बिल्कुल बेईमानी करके 6-7 वोट से हम लोग पीछे रह गए थे। तो क्या वो भीड़ नहीं थी? क्या वो जनता का समर्थन नहीं था? क्या जनता ने वोट नहीं किया? ये सब हवाबाजी जो लोग कर रहे हैं उनको भी जनता औकात दिखाएगी। कल 3 मार्च को गांधी मैदान में जो महागठबंधन की वहाँ रैली होने जा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले हम ये आपको बता दें, कोई तोड़ नहीं इस आंधी का, ये दौर है राहुल गांधी का, ना झूठे जुमलेबाजों से, ना नफरत
की ताकतों से ये देश अगर चल सकता है तो वो केवल राहुल गांधी से। तो जिस तरीके से ये जन सैलाब उमड़ रहा है पूरे बिहार में, और आज बीएसपी की धरती से श्री इम्तियाज निरानी जी के नेतृत्व में हम लोग पटना के जन विश्वास महारैली में उनको समर्थन देने जा रहे हैं, यकीनन ये पूरा समर्थन एक जन सैलाब जो है वोटों में तब्दील होगा। और इस बार 2024 में महागठबंधन की यूपीए की सरकार पूरा बहुमत से बनेंगी, और ये जो तानाशाह पूरी तरीके से तानाशाही कर रहे हैं, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये जनता इनको 2024 में सबक सिखाने का काम करेगी। उसी के नेतृत्व में आज हम अपने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधान परिषद प्रत्याशी श्री इम्तियाज नूरानी जी के नेतृत्व में 500 गाड़ी का काफिला लेके गांधी मैदान के लिए रवाना हो रहे हैं। आप देख सकते हैं, आपने कवरेज किया है कि पूरा जन सैलाब बीएसपी से उमड़ पड़ा है, और ये जन सैलाब आने वाले दिन में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेगी। राहुल गांधी जिंदाबाद। विमल, मेरा नाम है विमल कुमार यादव, मैं जिला महासचिव में हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे जिस तरह से आज बीएसपी से गांधी मैदान के लिए महागठबंधन की रैली में पहुँच रहे हैं सभी इस संबंध? हम लोग जो है महागठबंधन के साथी के साथ पहुँचेंगे वहाँ। हम जो है जो मोदी को जो है इस बार जितना भी हम लोगों के साथ बर्बादी कर रहा है, जनता के साथ बर्बाद कर रहा है, हम उसको दिखा देंगे इस रैली के माध्यम से क्या होता है। और जितना भी जोर तो लगेगा हम लोग करेंगे। अपने यहाँ जो है इम्तियाजी के साथ हम लोग जा रहे हैं, इम्तियाजी 50 गाड़ी के साथ व्यवस्था किए हैं, हम लोग उनके साथ जाएंगे।